आखरत के लिए ज़ादेराह इख्तियार करो, बेहतरीन ज़ादेराह तकवा है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज के दौरान कहा, ए मुसलमानों, आपस में भाईचारा बढ़ाओ। आखरत की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को एक मानने में है। यौम अरफात को अल्लाह ने फरमाया कि आज के दिन तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को नफा पहुँचाए। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी 10 लाख आज़मीन रवां साल हज अकबर की सआदत हासिल कर रहे हैं। हुज्जाज इकराम ने मैदान अरफात में नमाज ज़ुहर और असर एक साथ अदा की। हुज्जाज इकराम मगरब के बाद नमाज पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहाँ मगरब और ईशा एक साथ पढ़ेंगे। रात यही क़याम करेंगे। हुज्जाज इकराम शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे और कल शयातीन को कंकरियाँ मारी जाएंगी। जापान के साबक वजीर आजम शांजोबे कातलाना हमले में चल बसे। शांजोबे को नारा शहर में इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शांजोबे को 2 गोलियां लगी, बाद में दिल का दौरा भी पड़ा। शांजोबे पर हमले के फौरी बाद एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। शांजोबे 2006 से 2007 तक जापान के वजीर आजम रहे। पुलिस की इमरान रियाज खान की जस्मानी रिमांड की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने इमरान रियाज खान को जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हुकूमत ने मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हज ऑपरेशन के बाद अहम फैसला किया है। डायरेक्टर हज ने डायरेक्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी को इस हवाले से एक मरासला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हज से वापसी पर हाजियों का एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करने का फैसला किया गया है। वजारत सेहत ने सिविल एविएशन से निजी एयरलाइंस के जरिए आने वाले हाजियों की तफसीलात भी मांग ली। मरासले में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए एयरपोर्ट्स पर CAA और ASF एहलकारों की तैनाती की हदायत भी की गई है। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून आज कंपनी बाग में अपना पावर शो करेगी। जलसे के लिए पंडाल की तैयारियां जारी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी।